तो हाय फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे अमेजिंग मॉडर्न टेक। तो अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कुछ टॉप 5 लैपटॉप्स जो कि रेंज में आते हैं कुछ 40 to 60 thousand के बीच में, जो कि अफोर्डेबल प्राइस है मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी 2019 में बहुत अच्छे अच्छे लैपटॉप आ रहे हैं i5, i7 और i9 प्रोसेसर के। तो हम देखते हैं, लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, हमारे फिफ्थ नंबर पे जो लैपटॉप आता है वो है HP 14 इंच कोर i5 प्रोसेसर वाला 8 जनरेशन फुल HD लैपटॉप, 8GB की रैम के साथ और 1TB हार्ड ड्राइव के साथ। तो इसमें मुझे खासियत लगी कि 1.43 kg का लैपटॉप है, बहुत ही लाइट वेट है यार, और कॉलेज के लिए और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स या कोई भी कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। और इसकी जो MRP प्राइस है वो रहती है अराउंड 54,000। तो ये आपको अभी मिल रहा है अमेज़ॉन पे 43,950, मतलब नियरली 44,000 पे मिल रहा है। तो बहुत ही अच्छी ऑफर है, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करते हैं तो आपको ये 40,000 या 38,000 तक मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छा लैपटॉप है। तो इसकी स्पेसिफिकेशंस देखते हैं हम। इसके पोर्ट से चार्जिंग पोर्ट, 3.5mm जैक का एक पोर्ट है, 2 microSB के पोर्ट्स है, एक माइक्रोफोन का पोर्ट है और ऑडियो पोर्ट 2 है। तो बहुत ही अच्छा लैपटॉप है इस प्राइस रेंज के साथ। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला लैपटॉप है नंबर 4 का लैपटॉप, वो भी HP का ही लैपटॉप है, HP पवेलियन गेमिंग 15EC0026X कुछ तो है वो, 15.6 इंच का लैपटॉप है, गेमिंग लैपटॉप है ये, और ये बहुत बड़ा है 15.6 इंचेस का। इसमें Ryzen 5 आता है और ये बहुत अच्छा है, बहुत ही फास्ट है। तो इसमें आती है 1TB की हार्ड ड्राइव और 256GB की SSD। तो SSD है मतलब ये बहुत फास्ट होगा, और गेमिंग लैपटॉप में SSD होनी ही चाहिए। तो इसमें शेडो ब्लैक कलर का आता है ये। तो इसमें प्रोसेसर है AMD Ryzen 5 प्रोसेसर, फुल HD डिस्प्ले है, और इसमें सबसे बढ़िया चीज़ मुझे लगी है कि 0 to 50% चार्जिंग ये सिर्फ 45 मिनट्स में करता है, जो कि अक्सर मोबाइल करते हैं वो ये लैपटॉप करता है। तो बहुत अच्छी स्पेसिफिकेशन लगी। तो इसमें 8GB की रैम आती है, DDR4 की रैम है, उसके बाद 1TB की हार्ड ड्राइव होती है वो, और प्लस 256GB की SSD मिल रही है आपको। तो इसकी प्राइस रेंज अराउंड 65,484, मतलब 65-66,000 के बीच में रहती है। तो आपको ये मिलता है 55,940, मतलब 56,000 में। तो बहुत अच्छा है ये 56,000, मतलब बहुत ही कम प्राइस में आपको इतना अच्छा गेमिंग लैपटॉप मिल रहा है। तो यू कैन गो फॉर इट। थोड़ा सा हेवी होता है ये, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप अक्सर हेवी होते हैं, तो आप इसके अंदर डाल लीजिए, पर बहुत अच्छा लैपटॉप है। तो हम नेक्स्ट लैपटॉप देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला लैपटॉप है Acer Nitro 5 15.6 इंच का लैपटॉप है ये, 8 जनरेशन वाला i5 प्रोसेसर के साथ, और ये बहुत ही अच्छा लैपटॉप है। शेल ब्लैक कलर का आता है, 8GB DDR4 की मेमोरी आती है, 8GB की रैम है, 1TB की स्टोरेज है, और 256GB की SSD भी आती है। फ्रेंड्स, ये ध्यान से सुन लो, SSD मतलब बहुत फास्ट है। और उसके बाद इसकी बैटरी लाइफ 7 hours तक चलती है, इसके कंपनी ने खुद कहा है, लिख के दिया है। तो ये बहुत ही अच्छा है, 7 hours की कंपनी, 7 hours की बैटरी बहुत ही अच्छी है। तो इसके पोर्ट्स हम स्पेसिफिकेशंस देखते हैं। 2 USB पोर्ट्स आते हैं, एक USB टाइप सी, एक HDMI पोर्ट, एक ऑडियो जैक का और एक इथरनेट का पोर्ट आता है। और उसके बाद इसकी प्राइस रेंज है अराउंड 57,000। इसकी MRP है 80 to 85,000 के बीच में इसकी MRP है। तो ये अगर 57,000 में मिल रहा है तो बहुत ही बीस्ट लैपटॉप है, बेस्ट लैपटॉप है, यू कैन गो फॉर इट फ्रेंड्स। तो चलिए हम देखते हैं अगला लैपटॉप। तो फ्रेंड्स, बारी आ गई है हमारे नंबर 2 के लैपटॉप की, विच इज़ Asus TUF Gaming FX505DYBQ0240। बहुत ही बड़ा नाम था।
SSTUF का गेमिंग लैपटॉप है 15.6 इंचेस की, ये फुल एचडी स्क्रीन है, ये बहुत ही बड़ी 15.6 इंचेस की स्क्रीन है। एएमडी राइजन 5 प्रोसेसर के साथ आता है, गेमिंग लैपटॉप है इसलिए 8GB की रैम और 512GB की SSD, यू कांट इमेजिन माय फ्रेंड्स, अगर 512GB के SSD में बहुत ही फास्ट होगा, बिल्कुल भी लैग नहीं करेगा। उसके बाद इसका वेट 2.20 kg का आता है, हैवी है क्योंकि ये गेमिंग लैपटॉप है, ब्लैक प्लास्टिक का ये बैक मतलब प्लेट आती है पीछे, मतलब लैपटॉप की बॉडी है वो। उसके बाद इसके स्पेसिफिकेशन से एक ऑडियो जैक, एक टाइप ए USB 2.0 वाला, दो टाइप ए के पोर्ट्स आते हैं USB 3.2 के, उसके बाद एक लैन जैक आती है लैन इंसर्ट करने के लिए, और एक HDMI का पोर्ट आता है। तो इसकी प्राइस रेंज है 51,450, विच इज़ MRP प्राइस है इसकी 68,000 का, आपको अगर 52,000 तक मिल रहा है तो बहुत ही अच्छा लैपटॉप है। लिंक इसके भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, यू कैन गो फॉर इट। एंड बढ़ते हैं हमारे नंबर वन के लैपटॉप के पास, तो फ्रेंड्स हमारा एट लीस्ट नंबर वन लैपटॉप आ चुका है, विच इज SSTUF गेमिंग FX505DT वाला, फुल HD 15.6 इंच की स्क्रीन के साथ 120Hz लैपटॉप है ये। इसके बाद इसकी डायरेक्ट स्टार्टिंग में प्राइस में डिस्कस करता हूँ, 60,990 मतलब 60,000 के आसपास ही मिलेगा आपको, 78,000 इसके MRP है रियल प्राइस। उसके बाद Ryzen 5 का प्रोसेसर आता है, 8GB ऑफ रैम, 1TB ऑफ हार्ड ड्राइव एंड 256GB ऑफ SSD माय फ्रेंड्स। उसके बाद ये स्टील तो ब्लैक आता है मतलब कलर में। उसके बाद 2.20 kg की इसकी फुल बॉडी है, 1.5 पोर्ट आता है 3.5mm ऑडियो जैक वाला, एक पोर्ट आता है टाइप ए 2.0 की USB वाला, दो पोर्ट से टाइप ए 3.1 वाला है, और एक HDMI का पोर्ट आता है 2.0 एंड एक लैन जैक आता है। ये बहुत ही बेस्ट लैपटॉप है, बहुत ही बेस्ट लैपटॉप है 60,000 के अराउंड, ये भी बहुत अच्छा है, नंबर टू का भी बहुत अच्छा है, आप दोनों भी मतलब देख सकते हैं, लिंक दोनों के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो पसंद आ गई होगी, अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको क्या बुरा लगा क्या अच्छा लगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स।